तो गाइज़, अगर आपको अपना गेम प्ले इम्प्रूव करना है तो उसके लिए आपको सही ट्रेंड डील्स करनी ज़रूरी है। अगर आप यूट्यूब से उठा के कोई भी ट्रेंड डील करने लग जाओ तो उनसे आपका गेम प्ले इम्प्रूव नहीं होने वाला, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रेंड डील्स बताने वाला हूँ जो यूजुअली मैं करता हूँ, रोज़ करता हूँ, और उनसे मेरा गेम प्ले काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो अगर आप भी क्लासिक्स खेलते हैं या फिर स्क्रिम्स खेलते हैं तो उनसे पहले आप ये ट्रेंड डील्स ज़रूर करना, आपका गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा और इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं आज आपको क्रॉस हिप प्लेसमेंट, एम ट्रेसिंग, रिकॉइल कंट्रोल और कार ट्रेसिंग के ड्रिल्स बताने वाला हूँ, जिनसे कि आपका क्लोज रेंज, मीडियम और लॉन्ग रेंज तीनों चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में इस जगह पे आना है और आपको अपना मोस्ट यूज्ड वेपन यूज़ करना है। लाइक मैं सबसे ज़्यादा M4 यूज़ करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे M4 लिया है। एंड जो आपको सामने टारगेट्स दिख रहे हैं ना, आपको बस इनके ऊपर अपना क्रॉस हेयर रखना है और आपको दूसरे टारगेट्स के ऊपर एम शिफ्ट करते जाना है। आपको ये चीज़ 2 मिनट तक करनी है, जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए देन आपको स्कोप ऑन करना है, फायर करना है और फिर दूसरे टारगेट पे एम शिफ्ट करना है, फिर फायर करना है, फिर दूसरे टारगेट पे शिफ्ट करना है। और जब आपका हाथ बैठ जाए देन आपको स्कोप बंद नहीं करना है, आपको बस दूसरे टारगेट्स के ऊपर एम शिफ्ट करते जाना है। आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फोकस करना है कि आपका एम हमेशा हेड पर रहे। बाद में जब आपका एम अच्छा हो जाए उसके बाद आप अपनी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट ड्रिल भी होने वाली है क्रॉस प्लेसमेंट पर, बट ये थोड़ी एडवांस लेवल पर रहेगी क्योंकि इसमें जो सामने मूविंग टारगेट्स हैं इन्हें हमें ट्रेस करना है और जिगजैग मूवमेंट भी देना है, साथ में गन भी स्विच करते रहनी है, इससे हमारा वार्म अप हो जाएगा। और ये ड्रिल आपको मैक्सिमम 5 मिनट करनी है, ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, ओवर ट्रेन करोगे कोई फ़ायदा नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रिल है, इसको मिस मत करना। अगर आप कहीं पर रश कर रहे हो ना तो ये ड्रिल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है उस टाइम पर। इसके बाद मैं स्प्रे की प्रैक्टिस करता हूँ, उसके लिए आपको लास्ट के 4 टारगेट्स ऑन रखने हैं, हेल्थ 100 कर देनी है, एंड अगर आप बिगनर्स हैं तो लेवल 2 पे रखना है हेलमेट वेस्ट, वैसे मैं लेवल 3 पे खेलता हूँ। और इसके बाद इसको स्टार्ट कर देना है। और आपको मैक्सिमम 20 बुलेट्स लगनी चाहिए कोई भी टारगेट गिराने में, अगर आपको उससे ज़्यादा लग रही है देन आपको अपनी सेंसिटिविटी एडजस्ट करने की ज़रूरत है। और हाँ, अगर आपको अपनी सेंसिटिविटी बनानी नहीं आती अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद मैं करता हूँ कार ट्रेसिंग की प्रैक्टिस, उसके लिए आपको हेल्थ टारगेट्स की 100 कर देनी है, मूवमेंट स्पीड 300 कर देनी है, और अगर आप बिगिनर हैं तो अगेन आपको हेलमेट वेस्ट लेवल 2 पे कर देना है। और ये ड्रिल भी आपको मैक्सिमम 5 मिनट तक करनी है। और उसके बाद मैं क्लोज रेंज की प्रैक्टिस करता हूँ। और काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं ना कि 300 पे मूवमेंट स्पीड कर देते हैं टारगेट्स के, उसे ट्रेस करने की प्रैक्टिस करते हैं, बट वो बिल्कुल यूज़लेस है। और वो यूज़लेस क्यों है, क्योंकि इतनी फास्ट कोई जिगल दे ही नहीं सकता। अगर आप क्लासिक्स में देखो तो इतना फास्ट जिगल होता ही नहीं है भाई, तो इसलिए ये मेरे लिए तो यूज़लेस है। आपको उसकी जगह क्या करना है, आपको इधर आना है और हेल्थ ऑफ द टारगेट 170 करनी है और अराउंड उतनी ही मूवमेंट स्पीड कर देना, एंड उसके बाद हेल्थ कर देना 100। एंड उससे क्या होगा ना, 100 हेल्थ करने से आपको आइडिया आ जाता है कि बंदा, कभी कभी होता है ना कि आप नॉक कर देते हो, मतलब आपको लगता है कि आपने नॉक किया बट बंदा नॉक नहीं होता, तो वो चीज़ आपकी सही हो जाती है। और अब देखना 170 मैंने इसकी स्पीड की है, तो जितना मैं जिगल दे रहा हूँ ना एक तरह से उतनी ही इसकी स्पीड है, ऑलमोस्ट सेम है। तो क्लासिक्स में ना ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, या फिर जब आप TDM खेलोगे तो, मतलब जो जिगल टू जिगल फाइट होती है ना उसमें आपका एम एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो हमेशा इतने भी ही प्रैक्टिस किया करो। फिर आपको इधर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको अपना क्रॉस हेयर सामने टारगेट के हेड पर रखना है और पूरा पॉइंट टू पॉइंट ट्रेस करना है। और जब आपका एम बैठ जाए टारगेट के ऊपर देन आपको जिगल देते हुए ये चीज़ ट्राई करनी है। और एम बैठने के बाद आपको फायर भी करना है और ट्राई करना है कि आप विद इन अ मैग पूरा टारगेट डाउन कर दो। देन उसके बाद मैं इधर आके डैमेज जोन दराव की प्रैक्टिस करता हूँ, उसके लिए आपको इधर इस बॉक्स के पीछे बैठ के ट्राई करना है कि आप टारगेट्स के सीधा हेड पर मारो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा फास्ट करो एकदम मेरी तरह,
बट आप अगर बिगनर रहना तो आपको स्लो करना चाहिए। मेरे को प्रैक्टिस है तो मैं फास्ट कर लेता हूँ, आपको बस इस तरह से स्लोली स्लोली सामने टारगेट के हेड पर मारने पर ट्राई करना है। और अगर आप सिर्फ यही स्किल इम्प्रूव कर लो ना तो आपका गेम प्ले कुछ इस तरह का हो जाएगा। सो गाइज दैट्स ऑल आई हैव गॉट फॉर दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए। इसका पार्ट टू भी जल्दी आएगा, तो तब तक के लिए बाय बाय। मारो सो मारो, रिवाइव। इंडिया भी है, दो साइड से भी आ गया है।